हेलो एंड वेलकम टू एंड द न्यू ब्लॉग। दोस्तों हम लोग इस समय आए हुए हैं मॉरिशस में सर शिव सागर राम गुलाम बॉटेनिकल गार्डन घूमने के लिए। तो आज हम आप लोगों को पूरा ओवरव्यू कराएंगे। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक इनोग्रेशन पत्थर लगा हुआ है सर शिव सागर राम गुलाम बॉटेनिकल गार्डन। तो यहाँ पे हम लोग घूमने आए हैं और आज आप लोगों को दिखाएंगे और इस पूरे गार्डन का एक्सप्लोर कराएंगे और क्या क्या है। ऐसा लोग कहते हैं कि इस गार्डन में जो है कि हर एक प्रकार के पेड़ पौधे फूल पत्ती हैं, तो उसी के बारे में हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। बॉटेनिकल गार्डन वहाँ से जैसे ही आप इंटर करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं हर प्रकार का वृक्ष लगा हुआ है, जैसे कि सफ़ेदा, बांस, बबूल, इमली, बरगद। गार्डन के दूसरे हिस्से में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कछुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज के हैं। अभी हम आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं आप लोगों को। पहुँचे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कछुए आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे गए हैं। जैसा कि अंदर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं कछुए कितने बड़े बड़े हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बॉटेनिकल गार्डन, और बॉटेनिकल गार्डन के इस हिस्से में जैसा कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बारहसिंघा। आप लोग जैसे देख सकते हैं ये बारहसिंघा है यहाँ पे, इनके ऊपर कबूतर कुछ खाती रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस बॉटेनिकल गार्डन में अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाहें, यहाँ पे पंपलॉस में है बॉटेनिकल गार्डन, तो यहाँ पर आपको बारहसिंघा भी देखने को मिल जाएगा। तरह तरह की वनस्पतियाँ और कछुए काफ़ी बड़े साइज के हैं जो आप लोग देख सकते हो। ताकि यहाँ पे आप देख सकते हो बारहसिंघा बैठे हुए हैं काफ़ी संख्या में है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं द जियांट वाटर लिली, इसका एक खूबसूरत पानी में तैरने वाला पुष्प है। तो आइए हमारे साथ हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये जियांट वाटर लिली का पौधा है। यहाँ पे हम लोग बॉटेनिकल गार्डन मॉरिशस में घूमने आए थे। तो ये कुछ इस प्रकार का है यहाँ का सीन जो आप लोग देख रहे हैं। चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है कमल का फूल। कमल का फूल जनरली पिंक कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये कमल का फूल है हल्का येलो कलर का है। जैसे कि आप लोग इसके बीच में देख सकते हैं, इसके बीच है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, पूरा फूल गया है।
और ये जो कमल का फूल शायद है इसी तरीके का दिखता है काफ़ी किताबों में, तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत का ये नज़ारा जो आप लोगों को दिख रहा है, जो जलाशय है कमल के फूल का है, जो जनरली यहाँ पे अभी है कुछ फुला चुके हैं और कुछ अभी बाकी है। तो आइए देखते हैं, ये है उनकी समाधि स्थल, यहाँ पे बनाया गया है श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की जो ये समाधि स्थल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग अगली कड़ी में दूसरी साइड पे इस बोटेनिकल गार्डन के अगली साइड पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे मॉरिशस के फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनकी समाधि स्थल है। तो ये उन्हीं की यादगार में बनाया गया एक छोटे से पार्क में यहाँ पे ये है श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का जो समाधि स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं जहाँ जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को अपनी मातृभूमि के प्रति, और जो कि एक कॉमन सक्सेसफुल होने, एक राष्ट्र होने के पीछे जो हर एक कॉमन आदमी की जिम्मेदारी होती है उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये कहना है श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मॉरिशस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह एक अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं ये है समाधि स्थल, वहाँ पे उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी जो जिसका हिंदी में हमने आप लोगों को बताई है। तो आइए चलते हैं एक अलग साइड पे, देखते हैं क्या कुछ और देखने को मिलता है। अगली कड़ी में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, एक पेड़ हमको दिखाई दिया जहाँ पे हमने देखा कि ये जो पेड़ जो लगाया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय के विदेश मंत्री थे उनके द्वारा ये पेड़ ये लगाया गया है। यहाँ पे भी हम लोग पहुँचे हैं, ये पौधा है जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय विदेश मंत्री थे ये पौधा उनके द्वारा लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे हर तरीके के पेड़ पौधे वनस्पतियों का पूरा जाल बिछा हुआ है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की समाधि स्थल जो शिव सागर राम गुलाम है। तो आइए चलते हैं देखते हैं, और यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा दूँ ये है सर शिव सागर राम गुलाम, इनकी समाधि स्थल है वो जो इसी बॉटेनिकल गार्डन के एक कोने में बनाई गई है। तो आइए आप लोगों को पूरा दिखाते हैं, और ये रही सर शिव सागर राम गुलाम की जो समाधि स्थल है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे दिखता है, काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है इसको।